हेलो दोस्तों, टेक्निकल आमर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सीक्रेट मिलिट्री कार का मॉड इंस्टॉल करने वाले हैं। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करें। चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस मॉड को इंस्टॉल करने के लिए आपको दो फाइल्स की ज़रूरत होगी। इन दो फाइल्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इन दो फाइल्स को डाउनलोड कर लीजिए। दो फाइल्स को डाउनलोड करने के बाद फर्स्ट हम इसको इंस्टॉल करते हैं। इसको ऐसा कीजिए। ऐसा करने के बाद MK2 DLC का एक फोल्डर दिख रहा है ना, उसको ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद GTA 5 मेन फोल्डर को ओपन कीजिए। GTA 5 मेन फोल्डर को ओपन करने के बाद मॉड्स में जाइए। उसके बाद अपडेट X64 DLC packs। उसके बाद ऐसा किया हुआ फोल्डर पर आ जाइए। आने के बाद यहाँ MK2 का एक फोल्डर दिख रहा है ना, उसको GTA 5 DLC packs पर ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए। ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद बैक आ जाइए। बैक आने के बाद यहाँ DLC list का XML का फाइल दिख रहा है ना, उसको ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद यहाँ Item DLC packs से MK2 item दिख रहा है ना, उसको कॉपी कीजिए। इसको कॉपी कीजिए। कॉपी करने के बाद बैक आ जाइए। उसके बाद बैक आ जाइए। बैक आने के बाद ओपन एवी को ओपन कीजिए। ओपन एवी ओपन होने के बाद एडिट मोड पे क्लिक कीजिए। यस, उसके बाद मॉड्स में जाइए। उसके बाद अपडेट .rpf कॉमन डाटा। उसके बाद नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद यहाँ DLC list XML का टेक्स्ट दिख रहा है ना, उसको राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद एडिट में जाइए। एडिट में जाने के बाद नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद यहाँ लास्ट में कॉपी किया हुआ टेक्स्ट को पेस्ट कीजिए। पेस्ट करने के बाद सेव कीजिए। सेव करने के बाद एक्स्ट्रा किया हुआ फोल्डर पर आ जाइए। सेव करने के बाद एक्स्ट्रा किया हुआ फोल्डर पर आ जाइए। आने के बाद यहाँ बैक आ जाइए। तो दोस्तों, हमने MK2 DLC को इंस्टॉल कर लिया है, इसलिए मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ। उसके बाद सेकेंड फाइल को इंस्टॉल करते हैं। इसको एक्स्ट्रा कीजिए। एक्स्ट्रा करने के बाद एक फोल्डर आएगा, इसको ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद MK2 में जाइए। उसके बाद DLC.rpf दिख रहा है ना, उसको ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद कॉमन में जाइए। उसके बाद डाटा। उसके बाद ओपन एवी को ओपन कीजिए। ओपन एवी ओपन होने के बाद एडिट मोड पर क्लिक कीजिए। यस, उसके बाद मॉड्स में जाइए। उसके बाद अपडेट X64 DLC packs। उसके बाद नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद यहाँ MK2 का एक फोल्डर दिख रहा है ना, उसको ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद DLC.rpf दिख रहा है ना, उसको भी ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद कॉमन में जाइए। उसके बाद डाटा। उसके बाद AI का एक फोल्डर दिख रहा है ना, उसको ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद एक्स्ट्रा के वह फोल्डर पर आ जाइए। आने के बाद यहाँ भी आपको AI का एक फोल्डर दिख रहा है ना, उसको ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद यहाँ व्हीकल लेआउट्स मेटा का एक फाइल दिख रहा है ना, उसको यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए। यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद फिर से बैक आ जाइए। फिर से ओपन एवी होम पर आ जाइए। ओपन एवी होम पर आने के बाद फिर से मॉड्स में जाइए। उसके बाद अपडेट X64 DLC packs। उसके बाद MK2 फोल्डर दिख रहा है ना, उसको ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद DLC.rpf दिख रहा है ना, उसको भी ओपन कीजिए। उसके बाद कॉमन में जाइए। उसके बाद डाटा। उसके बाद लेवल्स में जाइए। उसके बाद GTA 5 दिख रहा है ना, उसको ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद एक्स्ट्रा किया हुआ फोल्डर पर आ जाइए। आने के बाद यहाँ लेवल्स का एक फोल्डर दिख रहा है ना, उसको ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद GTA 5 में जाइए। उसके बाद व्हीकल्स मेटा दिख रहा है ना, उसको यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए। यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद फिर एक्स्ट्रा किया हुआ फोल्डर पर बैक आ जाइए। बैक आने के बाद फिर से ओपन एवी होम पर आ जाइए। ओपन एवी होम पर आने के बाद फिर से मॉड्स में जाइए। उसके बाद अपडेट X64 DLC packs। उसके बाद MK2 का फोल्डर दिख रहा है ना, उसको ओपन कीजिए। उसके बाद DLC.rpf दिख रहा है ना, उसको भी ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद कॉमन में जाइए। उसके बाद डाटा। उसके बाद एक्स्ट्रा किया हुआ फोल्डर पर आ जाइए। आने के बाद यहाँ कार कॉल्स मेटा, कार वेरिएशंस मेटा और हैंडलिंग मेटा दिख रहा है ना, इन तीन फाइल्स को यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए। ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद फिर एक्स्ट्रा किया हुआ फोल्डर पर बैक आ जाइए।
तय करने के बाद फिर ओपन आई वी होम पर आ जाइए। ओपन आई वी होम पर आने के बाद मॉड्स में जाइए, उसके बाद अपडेट 164 डीएलसी पैक्स, उसके बाद यहाँ MK2 का फोल्डर दिख रहा है ना, उसको ओपन कीजिए। उसके बाद डीएलसी डाटा आरपी अब दिख रहा है ना, उसको भी ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद 164 लेवल्स GTA 5 व्हीकल्स, उसके बाद MK2 व्हीकल्स डॉट आरपी अब दिख रहा है ना, उसको ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद 164 फोल्डर पर आ जाइए। आने के बाद यहाँ MK2 का फोल्डर दिख रहा है ना, उसको ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद DLC.RPF दिख रहा है ना, इसको भी ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद 164 में जाइए, उसके बाद लेवल्स GTA 5 व्हीकल्स, उसके बाद MK2 Vehicles.RPF दिख रहा है ना, इसको भी ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद यहाँ टम्बलर के 3 फाइल्स दिख रहा है ना, इन 3 फाइल्स को यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए। बस दोस्तों इतना ही आपको करने का, चलो GTA 5 ओपन करते हैं। तो दोस्तों GTA 5 ओपन करने के बाद आप कौन सा भी ट्रेनर यूज़ कर सकते हो। यहाँ आपको मैनुअली टाइप करना होगा, आपको टाइप करना होगा TUMBLER, एंटर कीजिए। तो दोस्तों हम देख सकते हो सीक्रेट मिलिट्री कार आ चुकी है। इसमें आपको लाइब्रेरीज भी मिल जाएंगे। अगर आप बैटमैन की कार को स्पॉन करना चाहते हो तो यहाँ इसको बैटमैन की कार को स्पॉन करने के लिए यहाँ आपको मैन्युअली टाइप करना होगा, आपको टाइप करना होगा MK2, एंटर कीजिए। तो दोस्तों आप देख सकते हो बैटमैन की कार भी आ चुकी है। मैं आपको इसका इंटीरियर भी दिखा देता हूँ। इसमें आपको वेपन्स भी मिल जाएंगे। तो दोस्तों यही था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।